हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ओपन पोर्स डीआईवाई फेस पैक। जी हाँ, ओपन पोर्स रिमूविंग डीआईवाई फेस पैक होम रेमेडी। बहुत सिंपल एंड इजी क्विक है, आपके किचन की इंग्रेडिएंट से ही बनाया हुआ है, तो आपको कोई बाहर से चीज लाने की जरूरत नहीं है। ओपन पोर्स हमें होते क्यों है, सबसे पहले ये हम जान लेते हैं। तो हम ओपन पोर्स हर किसी को ही होता है, हर किसी को ये प्रॉब्लम होता है। हमारे जो पूरे बॉडी में बाल होते हैं, तो हमारे जो बहुत जने के फेशियल हेयर्स होते हैं फेस पे, बहुत को नहीं होते हैं फेशियल हेयर्स, बहुत कम होते हैं। तो हमारे जो फेशियल हेयर्स होते हैं उस वो एक रोम क्षेत्र से, मतलब उसका एक छिद्र होता है, एक छोटा सा होल होता है, वहीं से निकलता है। जो हमारे बाल के स्टार्टिंग पॉइंट्स है वही पोर्स कहते हैं उसको। तो वो पोर्स जब बड़े हो जाते हैं तो पोर्स वो ओपन ही होते हैं, वरना हमारे बाल निकलेंगे कैसे। तो वो जब बड़े हो जाते हैं तो उसको ओपन पोर्स कहते हैं हम, कि उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है हमारी स्किन के लिए। बड़े उस क्षेत्र को बड़े हो जाने का मतलब है आपकी स्किन को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना। तो बेसिकली ये ज्यादातर होता है ऑयली स्किन वाले को, या फिर ये किसी भी स्किन टाइप को हो सकते हैं, लेकिन ऑयली स्किन वालों को ज्यादा होता है। तो सबसे पहले आप अगर बहुत ज्यादा बाहर निकलना आना जाता होता है, पॉल्यूशन, मिट्टी, धूल मिट्टी सब कुछ आपकी स्किन पे लगता है, तो उससे भी ये ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। आपका स्ट्रेस के वजह से भी आपको इस ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद अगर आपके हेल्थ पे, आपके लाइफस्टाइल पे भी आपकी स्किन का बहुत ज्यादा हाथ होता है। अगर आप जंक फूड खाते हैं, आपका खाना अच्छा नहीं है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो भी ओपन पोर्स हो सकता है। पोर्स में जब धूल मिट्टी जम जाते हैं तो वो पोर्स खुल जाते हैं, वो पोर्स बड़े हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारी स्किन भी लटकने लगता है, स्किन पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, क्योंकि पोर्स बड़े होंगे तो स्किन हमारा लटकेंगे, तो उसकी वजह से स्किन पे बहुत जल्दी झुर्रियां पड़ जाते हैं। तो ये है, ये सारे हैं ओपन पोर्स की प्रॉब्लम्स। अब इसको हम कैसे ठीक करेंगे, तो इसके लिए बहुत सारे बाहर से चीजें भी आती है, जैसे कि रेडी टू यूज फेस पैक, बहुत सारे चीज है। बट अगर आपको नहीं यूज करना है बाहर का कोई भी चीज, तो आप होम रेमेडी भी यूज कर सकते हैं। तो इसको बस इस फेस पैक को बनाने के लिए कुछ भी आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं है, बस तीन इंग्रेडिएंट्स है, आपके किचन में मिल जाएंगे आपको। सो इस फेस पैक में मैंने यूज किया है बेसन, हल्दी एंड ग्रीन टी। तो बेसन आपको पता ही होगा बहुत सारी चीजों में हमारी स्किन पे हेल्प करता है, जैसे आपकी स्किन को टाइटन अप करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। हल्दी एक आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है जो आयुर्वेदिक में भी यूज किया जाता है, तो इसको हल्दी आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ब्राइटन अप करता है, दाग धब्बे को मिटाता है, आपके डार्क सर्कल्स है तो उसको भी ये ठीक करता है, पिगमेंटेशन कम करता है। ग्रीन टी आपकी स्किन पे जितने भी बैक्टीरियल्स है, डस्ट है, जर्म्स है, सबको रिमूव करता है, बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा, अंदर तक आपके पोर्स को क्लीन करेगा। सो इस फेस पैक को बनाना कैसा है, चलिए देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इस फेस पैक को बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 2 छोटे चम्मच बेसन, यहाँ पे मैं 1 चम्मच ली हूँ, और 1 छोटे चम्मच आप अपने फेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको कितना लेना है, कितना गाढ़ा बनाना है या फिर अप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग आप लीजिए। नेक्स्ट हमें यहाँ पे लेना है थोड़ा सा हल्दी, बहुत थोड़ा सा है, देख लीजिए, बस आपको इतना ही लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लेंगे ग्रीन टी, जी हाँ ये ग्रीन टी है, हमें इससे ही मिक्स करना है, आप नॉर्मल पानी मत दीजिएगा, मैंने हल्दी और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसमें देंगे ग्रीन टी का पानी, थोड़ा थोड़ा सा ही आप दीजिए, क्योंकि इसको ज्यादा पतला नहीं करना है हमें। अच्छे से इसको मिक्स करना है, और थोड़ा सा जो बचा हुआ था वो भी मैं दे रही हूं।
छोटा सा है, जस्ट इसको हमें अब अच्छे से मिक्स करना है, कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, बहुत स्मूथ पेस्ट चाहिए हमें। तो हमारा फेस पैक यहाँ पे रेडी हो चुका है, तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं। तो गाइस इसकी थिकनेस कुछ ऐसी रहेगी, ना ज्यादा मोटा चाहिए ना ज्यादा पतला चाहिए, आप अपने इसके स्किन के अकॉर्डिंग आप पेस्ट को बना सकते हैं। आप इस अपने स्किन के अकॉर्डिंग इस फेस पैक को बना सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा मोटा लेयर चाहिए या फिर पतला लेयर चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप थोड़ा सा मोटा करके ही लगाइए इसको, और इसको जितना देर रख सकते हैं, जितना देर तक ये प्रॉपरली ड्राई ना हो जाए आप इसको रखिए, आपको कोई भी हार्म नहीं होगा ज्यादा देर तक रखने में। तो चलिए इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे फेस पैक को अच्छे से अप्लाई कर लिया, बहुत मोटी मोटी लेयर ही लगाई हूं मैं यहाँ पे। अब जब भी कोई भी फेस पैक लगाए या फिर होम रेमेडी करे तो आप आपके फेस को अच्छे से क्लीन कर ले सबसे पहले, उसके बाद ही कुछ अप्लाई करे, गंदे स्किन पे कुछ अप्लाई मत कीजिएगा। उसके बाद आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज कीजिए, आप मंथ में देखेंगे, एक मंथ में यूज करने के बाद आप देखेंगे आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा फर्क आ गया है, डिफरेंस आपको दिखेगा, आपके ओपन पोर्स कम होने लगेंगे और 1 से 2 महीने में आपके ओपन पोर्स खत्म ही हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे पूरे। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं आपको मिलती हूँ इसको ड्राई होने के बाद। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरा जो फेस पैक है अच्छे से ड्राई हो चुका है, सी। तो अब मैं इसको अपने सिंपल पानी के साथ वॉश करके आती हूँ। आपको कोई फेस वॉश नहीं यूज करना है, बस इसको नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। आप जब वॉश करें तो इसको रब करते हुए, स्क्रब की तरह रब करते हुए वॉश करें। तो मैं आपको मिलती हूँ वॉश करने के बाद। सो गाइस यहाँ पे मैंने अपना फेस को वॉश कर लिया है, देख सकते हैं, मैं हल्का सा पैड ड्राई कर लूंगी। सो गाइस अगर आप लोगों को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो इस होम रेमेडी को जरूर यूज कीजिए, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा, आप देखेंगे आपका ओपन पोर्स ठीक हो चुका है। इसको बस आपको 20 से 25 मिनट तक रखना है, हफ्ते में 3 दिन यूज करना है, आपको जरूर रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, सी यू चिल्ड्रेन।